प्रदेशामध्ये काँग्रेसचे नेते हे भाजपमध्ये येतील, मोदीजींच्या गॅरंटी, मोदीजींचा विकसित भारताचा संकल्पाला साथ देतील, कारण राहुल गांधी हे नेहमी महाराष्ट्रात आल्यावर दोन घटना नक्की करतात. ठरला जंत राहुल गांधी एक स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचा अपमान नक्की करतील, नेहमी केला आहे. जेव्हा जेव्हा राहुल गांधी महाराष्ट्रात आले स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचा अपमान त्यांनी केला आहे. आणि दुसरं सातत्याने ओबीसी समाजाचा अपमान केला, सातत्याने ओबीसी समाजाचा अपमान केला. ज्या ज्या ठिकाणी जातात त्या ठिकाणी ओबीसी समाजाचा अपमान करतात आणि त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर अस्वस्थता निर्माण झाली. आदिवासी समाजाच्या कल्याणाकरता काँग्रेसने कधी काम केलं नाही. 65 वर्ष बघितलं असाल आदिवासी समाजाचे मतं घेतले, पण पद्माकर वडेटीजीने मला सांगितलं किंवा त्यांच्या मनात काय भावना होती की माननीय प्रधानमंत्री मोदीजींनी आमच्या समाजातील शिक्षक आदिवासी एक आमच्या बहिणीला देशाचे राष्ट्रपती पदापर्यंत सन्मान या आदिवासी समाजाला दिला म्हणून मी भारतीय जनता पार्टीमध्ये प्रवेश करतोय. आतापर्यंत कधीही हा सन्मान कुणी दिला नाही, माननीय मोदीजींनी दिला, आमच्या आदिवासी समाजाच्या बहिणीला दिला, द्रौपदी मुर्मूजीला दिला. आणि म्हणून आदिवासी समाज हा मोदीजींच्या विकसित भारताच्या संकल्पाला साथ देतोय. आपण बघितलं असाल मागासवर्गीय समाजाला नेहमीच काँग्रेस पार्टीने मागे टाकलं. स्वतः महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरला भंडाऱ्यामध्ये लोकसभेतून हरवण्याचं काम काँग्रेस पार्टीने केलं आणि म्हणून शेड्यूल कास्ट सुद्धा आमचा जो नागरिक आहे जनता आहे ही मोदी यांच्या मागे उभी आहे, आदिवासी समाज मोदी यांच्या मागे उभा आहे. तुम्हाला दिसेल पुढच्या काळामध्ये ओबीसी आदिवासी मराठा सर्व समाज या महाराष्ट्रातले हे मोदीजींना साथ देणार आहे, ओबीसी साथ देणार आहे, मराठा समाज साथ देणार आहे, सारे समाज साथ देणार आहे. आणि म्हणून आज पद्माकर वडवी यांचं, विनायकराव देशमुखांचं, अर्चना राठोडचं, मनोहरराव सोनवणेचं, हिरालाल बागुलजीचं, रोशन गावितजी आहे, गणेश पाटीलजी आहे, लखन पावराजी आहेत, अनिल मराठे, जगदीश पाडवी या सर्वांचं भारतीय जनता पार्टीमध्ये मी स्वागत करतो. मला या ठिकाणी एक बाबीचा आनंद आहे की या सर्व जे पक्षप्रवेश झाले आहेत यांनी कुठलेही, म्हणजे आज बघा पद्माकर वडवी जेव्हा पक्षात आले किंवा विनायकराव आले त्यांनी कुठलीही मागणी पक्षाकडे केली नाही. बोलताना काय म्हटलं, संघटनेची चांगली जबाबदारी आमच्याकडे द्या, आम्हाला भारतीय जनता पार्टीची संघटना मजबूत करायची आहे आणि मोदीजींच्या विकसित भारताच्या संकल्पाला साथ द्यायची आहे. मी पद्माकर वडवी यांचं मनापासून अभिनंदन करतो. पक्षामध्ये त्यांना एवढंच सांगेल की पक्षामध्ये त्यांचा मान सन्मान हा नेहमीच कायम राहील एवढंच या ठिकाणी सांगतो. आणि खरं तर पुन्हा एकदा पुढच्या काळामध्ये काँग्रेस पार्टीमध्ये प्रचंड अस्वस्थता जी आहे आणि भाजपमध्ये येण्याकरता जी ओढ लागली आहे ती अशीच कायम राहणार आहे हा विश्वास या ठिकाणी धरतो. मोदीजींच्या विकसित भारताच्या संकल्पाला साथ देण्याकरता देवेंद्रजींच्या अष्टपैलू कर्तृत्वाच्या नेतृत्वाला साथ देण्याकरता पद्माकर वडवीजी आणि पुळई आमचा टार्गेट नाही आहे. आम्ही कधी पद्माकर वडवींना फोन केला नाही. अशोकराव चव्हाण साहेबांनी तेच सांगितलं, विकसित भारताचा संकल्प, बलशाली भारताचा संकल्प, जगातली तिसरी आर्थिक महासत्ता हा जो मोदीजींनी संकल्प केला आहे, हा जो प्रयत्न सुरू केला आहे, या प्रयत्नाला साथ द्यावी म्हणून यांनी पक्षप्रवेश केला आहे. आणि तुम्हाला पुढे बघेल, पुढे दिसेल, जसे जसा मोदीजींचा वादळ, जसं जसं मोदीजींचं वादळ महाराष्ट्रामध्ये लोकसभेच्या निवडणुकीला येईल, तर निवडणुकीच्या मतदानापर्यंत तुम्हाला
अर्धी काँग्रेस पार्टी खाली झालेली दिसेल हे मी तुम्हाला दाव्याने सांगतो. कपोल कल्पित बातम्या आहेत असा कुठलाही फॉर्म्युला नाही. अजून फॉर्म्युला तयार व्हायला 2-3 दिवस लागेल. 80% जागेवर आमचं एकमत झालं आहे. 20% जागेवर अजून चर्चा सुरू आहे. चर्चा लवकर संपणार आहे. अजून जर महायुतीच्या जागाचा निर्णय झाला नाही आहे तर बाकी जागेबद्दल ही याला गेली ती त्याला गेली भाजप 5 लढणार आहे सारा कपोल कल्पित आहे असं काही नाही आहे. आणि कुणावरही कुठली टाच येणार नाही आहे. शेवटी केंद्रीय पार्लमेंटरी बोर्ड जो निर्णय घेईल तो आम्हाला मान्य असतो. केंद्रीय पार्लमेंटरी बोर्ड ठरवतं कुठली जागा कुणाला द्यायची कोण उमेदवार असावा कोण नसावा. पण आजच्या दिवसापर्यंत येणाऱ्या बातम्या कपोल कल्पित आहे. कुठेही भाजपला 5 सेनेला 1 आकडा सेनेला 2 आकडे भाजपला साऱ्या बातम्या चुकीच्या आहेत. तुम्हाला लवकरच त्या ठिकाणी सत्यता कळेल. स्वाभाविक आहे. भारतीय जनता पार्टीने मागच्या वेळी ती जागा लढली होती. पण जर अजितदादा महायुतीमध्ये आले आणि त्यांनी सुद्धा येताना हेच म्हटलं विकसित भारताच्या संकल्पाला साथ अशा वेळी अजितदादाला 12 लोकसभा ही त्या ठिकाणी नॅचरली जाणार आहे. त्यामध्ये काही चर्चेचा प्रश्नच येत नाही. देखिए आज मुझे इस बात का अभिमान है कि पद्माकर वड़वी जैसे एक बहुत सक्रिय मंत्री और 5 के विधायक कांग्रेस पार्टी के इन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश लिया है. और पद्माकर वड़वी लाखों की संख्या में जो आदिवासी बांधव है उनके नेता है. उन्होंने विकसित भारत का जो संकल्प मोदी जी ने किया उसको साथ देने के लिए पार्टी में प्रवेश किया है. लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि जब राहुल गांधी महाराष्ट्र में नंदुरबार में हैं और नंदुरबार में राहुल गांधी होने के समय में सर्वोच्च नेता कांग्रेस के राहुल गांधी महाराष्ट्र में है नंदुरबार में ऐसे समय में पद्माकर वड़वी जैसे कांग्रेस के बड़े नेता जो मंत्री रह चुके हैं विधायक रह चुके हैं वो भाजपा में प्रवेश करते हैं एक ही बात के लिए विकसित भारत का मोदी जी का संकल्प को साथ देने के लिए देवेंद्र जी के संकल्प को साथ देने के लिए. तो निश्चित रूप से आपको आगे भी दिखेगा कि जैसे जैसे राहुल गांधी शिवाजी पार्क तक पहुंचेंगे तो कांग्रेस के हमारे तहसील लेवल के जिला लेवल के महाराष्ट्र लेवल के बड़े बड़े अच्छे अच्छे चेहरे जिनका समाज में बड़ा अच्छा काम है वो भी पार्टी प्रवेश करने वाले है. आपको जैसा जैसा आगे भी दिखेगा जैसा जैसा चुनाव आएगा और चुनाव का मतदान आएगा उस समय तक कांग्रेस पार्टी में और भूचाल आएगा. क्योंकि कांग्रेस पार्टी को महाराष्ट्र में संभालने वाला कोई नेता नहीं बचा है. हमारे अशोक चव्हाण जी जैसे कर्तृत्ववान नेता विकसित भारत को साथ देने के लिए मोदी जी के साथ आए हुए हैं. और निश्चित रूप से ऐसी ही लहर महाराष्ट्र में चलेगी और आने वाले चुनाव तक 50% कांग्रेस पार्टी आपको महाराष्ट्र में कम होते हुए दिखेगी. यही आपको महाराष्ट्र में रुझान दिख रहा है. यही अपनी महाराष्ट्र में जनता का भाजप में आने के लिए बहुत ज्यादा प्रतिसाद मिल रहा है. आपको कुछ अच्छी खबरें मिलेंगी. देखिए हमारे सारे फैसले हो चुके हैं. 80% जगह पे फैसले हो चुके हैं और हमारे पे कोई कंपटीशन नहीं है. हमारे कोई खींचतान नहीं है. शिंदे जी जो स्थान है उनका प्रबल स्थान है. उनका भी अच्छी सीटें उनको मिलने वाली है. राष्ट्रवादी को भी अच्छी सीटें मिलने वाली है. उनको ये कभी लगेगा नहीं कि हमने भारतीय जनता पार्टी के महायुति में हमको कोई
स्थान हमारा कम हो चुका है। जल्दी ही आपको अलायंस का सारा बंटवारा सामने आएगा और मुझे लगता है कि महायुति पूरी ताकत से इस महाराष्ट्र में 45+ करेगी। मोदी जी के नेतृत्व में लोगों ने निर्णय लिया है कि विकसित भारत को साथ देने के लिए, इसलिए आपको हमारी चिंता बिल्कुल मत करिए। चिंता महाविकास आघाड़ी को है वो कैसे आगे जाएगी, क्योंकि उनकी पार्टी रोज टूट रही है। उद्धव जी के लोग एकनाथ शिंदे जी के पास जा रहे हैं, शरद पवार जी के लोग अजीत दादा के पास जा रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी तो आपको दिख रही है कहाँ जा रही है, भाजपा में जा रही है। असा है, मी संजय निरुपम साहेबांच्या प्रतीक्षेवर कुठलाही धक्का आणणार नाही। त्यांनी माझ्याशी कुठलीही चर्चा केली नाही, देवेंद्रजींशी कुठलीही चर्चा केली नाही। त्यांची प्रतिष्ठा आपण कुठल्याही पद्धतीने अशा पद्धतीने कमी करू शकत नाही। भेट घेणं, चर्चा करणं हे काही वेगळं नाही आहे। आम्ही रोज विरोधी पक्षाच्या लोकांशी भेटतो, लोक आमच्याशी भेटतात, त्यामुळे चर्चेचा अर्थ असा नाही की ते कुठे आपल्या पक्षामध्ये आज जातील। पण मोदीजींच्या विकसित भारताच्या गॅरंटीला साथ देण्याकरता कुणी जरी आलं तरी भारतीय जनता पार्टी त्यांचं स्वागत करेल। सर, काँग्रेस मधले माझे संबंध जुनेच आहे, त्याच्यामुळे अनेक लोक भेटत राहतात। बाकी सांगितलंय बावनकुळे साहेबांनी तुम्हाला, देखिए ओरिजिनल और जूनियर सीनियर राजनीति में कोई होता नहीं है, मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। सीनियर और जूनियर की राजनीति नहीं चलती है। राजनीति जो होती है प्रतिष्ठा के ऊपर होती है, राजनीति होती है वो व्यक्ति के ऊपर। हर व्यक्ति अपने पार्टी में स्ट्रांग होता है। अगर कोई भी प्रतिष्ठावान व्यक्ति कल पार्टी में आता है, उनका स्ट्रेचर अगर बड़ा है तो निश्चित रूप से वहाँ पर उसका समावेश होता है, वहाँ पर उनका प्रतिष्ठा दी जाती है। राजनीति में सीनियर जूनियर का फैसला होता नहीं है, राजनीति में कर्तृत्ववान व्यक्तियों का फैसला होता है। और जब कर्तृत्ववान व्यक्ति पार्टी में आते हैं तो उसका उनको तो उतना स्ट्रेचर देना ही पड़ता है। नहीं देखिए, मैंने बार बार कहा है, एक बार फिर कहता हूँ, मोदी जी के विकसित भारत का संकल्प को साथ देने के लिए जो जो पार्टी में आना चाहता है, जो जो जिस जिस की इच्छा है मोदी जी के लिए विकसित भारत के लिए साथ देने के लिए, भारतीय जनता पार्टी तैयार है, हम उसका स्वागत करेंगे। मैंने बार बार कहा है कि संजय निरुपम जी की प्रतिष्ठा इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में आने के लेकर बात करने पे मैं उनकी प्रतिष्ठा को डैमेज नहीं करूंगा, ऐसी कोई बात नहीं हुई है, ऐसा कोई चर्चा भी नहीं है, ना उनसे हमने चर्चा की है ना उनसे उन्होंने हमसे चर्चा की है। अब रह गई बात उनको पार्टी में आने की, अगर मोदी जी के साथ देने के लिए कोई भी आना चाहता है तो उसके लिए हमारी तैयारी। उद्धव ठाकरे ने कल फिर एक बार नितिन गडकरी जी को महाविकास आघाड़ी में आने का न्योता दिया और कहा हम उनको मंत्री बनाएंगे। उद्धव जी, आपके पार्टी के संस्कारों में और हमारे पार्टी के संस्कारों में बहुत फर्क है। उद्धव जी अपनी पार्टी को संभाल लीजिए, नितिन जी इनके ब्लड में, उन्होंने कभी कहा देख लीजिए एक बार कि मैं कुएं में जान दे दूंगा लेकिन भारतीय जनता पार्टी के संस्कारों को और भारतीय जनता पार्टी के मेरे जीवन को कोई मुझे डैमेज नहीं कर सकता है। क्यों ऐसी बातें करते हो? हम दो, हमारे दो बच्चे हुए हैं, बाकी सारी पार्टी खाली हो चुकी है, क्यों ऐसी बातें करते हो? कुछ भी नहीं रहेगा आपके साथ। लोकसभा चुनाव में आप सारी धज्जियां उड़ने वाली है। मोदी जी का चेहरा लगाकर आपने 18 सांसद जीते हैं, आप देख लेते कितने सांसद जीतते हैं राजीव गांधी, राहुल गांधी का चेहरा लगाकर, राहुल गांधी का, सोनिया गांधी जी का चेहरा लगाकर आप कितनी सीटें जीतते हैं जरा देखेंगे ना,
आपने मोदी जी का चेहरा निकाल के 18 लगाकर 18 सीटें जीती है। हमारे देवेंद्र जी को साथ में लेकर 18 सीटें आपने जीती थी। अभी देखते हैं आपको, सोनिया जी और राहुल गांधी का चेहरा लगाकर कितनी सीटें जीतते हैं। और आपने तो ऐसे लोगों का साथ दे रहे हैं आप उद्धव जी, कि सनातन हिंदू धर्म को समाप्त करने वाली भाषा जिस उदय नीति स्टालिन ने की है, उदय नीति ने की है, उसको साथ देने के लिए आप काम कर रहे हैं। स्वातंत्र वीर सावरकर का अपमान राहुल गांधी करते, उनको साथ दे रहे हैं आप। क्या बातें करते हो नितिन गडकरी जी की? ऐसे ही रास्ते पे क्या नितिन गडकरी जी कि आप ऐसा बोल देंगे हमारे पार्टी में आओ? इतना सस्ता है क्या? क्यों बातें करते हो ऐसी? अपनी पार्टी संभालिए, अपने पार्टी के सारे लोग फूट रहे हैं, कोई बचा नहीं है। तो मुझे लगता है कि ऐसी बेहुदा बातें उद्धव ठाकरे नहीं करनी चाहिए। रोहित पवार सध्या अनेक बाबीमुळे विचलित आहे। आता मी काही बोलणं योग्य नाही आहे, गिरीश महाजन जी बोलतील। रोहित पवार जी यांनी जे काही ट्विट केलं आहे सध्या ते विचलित झाले, त्याबद्दल आमचे लोक बोलतील। पण भारतीय जनता पार्टी आमच्या मित्रपक्षांना साथ देण्याकरता आहे, त्यांना वाढवण्याकरता आहे, कमी करण्याकरता नाही आहे। एकनाथ शिंदे जी बघतील। आम्ही घटक पक्षाची कुठलीही प्रतिष्ठा कमी केली नाही, घटक पक्षांना पुरेसं बळ दिलं आहे। जे आमच्यासोबत घटक पक्ष आहे त्यांना आम्ही आमचं पुरेसं बळ देतो आहे। एकनाथजी त्यांच्या घटक पक्षाला पुरेसं बळ देत आहे। आणि मी कालही सांगितलं, मला फार जास्तीचं नाही माहीत, पण अमरावती माझ्या नागपूरजवळ आहे। बच्चू कडूंच्या मतदारसंघ त्यांनी सांगितलेले कामं महाविकास आघाडीच्या काळामध्ये जेवढे झाले नाहीत तेवढे आत्ता झालेले आहेत। महायुती बच्चू कडूच्या मागे प्रचंड ताकदीने उभी राहिली आहे। त्यांना संभ्रम वाटतो आहे, त्यांना काही त्याच्या ठिकाणी कन्फ्युजन होत आहे। एकनाथ शिंदेजीचे बोलतील। बच्चू कडूजी हे महायुतीमध्ये एकनाथ शिंदेच्या ग्रुपमध्ये आहेत, त्यामुळे बच्चू कडूजी एकनाथ शिंदेशी बोलतील। आमच्या युतीमध्ये जे लोक आहेत भाजपच्या, त्यांना सांभाळणं आमची जबाबदारी आहे। आणि आम्ही दाव्याने सांगतो, आमच्यासोबत असलेल्या घटक पक्षांना देवेंद्रजींनी सांभाळून ठेवलेलं आहे। देवेंद्रजींनी कुठेही ते डिमॉरलाइज होतील असं कुठलंही त्या ठिकाणी एखादं छोटी महायुतीमध्ये प्रत्येकाचं विकासाचं काम असतं। देवेंद्रजी हे नेहमी शेवटी मागच्या वेळी बघा, मुख्यमंत्री असताना देवेंद्रजी, माधवराव जानकर हे मंत्री होते, सदाभाऊ खोत मंत्री होते। शेवटी घटक पक्षांना, आमचं बहुमत असूनही, भाजप सेनेचं बहुमत असूनही त्या काळातही घटक पक्षांना योग्य स्थान दिलं। मोदीजींनी सुद्धा घटक पक्षाला योग्य स्थान दिलं बहुमत असूनही, आणि आताही बहुमत असूनही आम्ही घटक पक्षांना प्रचंड ताकद देण्याचं काम करू। देखिए, पार्लियामेंट्री बोर्ड में अंतिम फैसला बाकी है। हमारा केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड जो फैसला करेगा, जो भी उम्मीदवार देंगे, भारतीय जनता पार्टी पूरे ताकत से हमारी महायुति चुन के आएगी, 45+ चुन के आएगी। जो भी शिंदे जी के कैंडिडेट होंगे, जो भी अजीत पवार के कैंडिडेट होंगे, वो हम चुन के लाने का, हम 51% वोट लेकर चुन के लाने का हमारा प्रयास है। और जो भी चेहरे आएंगे वो हमारे लिए स्वागतार्य है। मैं बार बार कह रहा हूं, जहां तक हमारे महायुति में जो हमारे अलायंस पार्टनर है, वो अलायंस पार्टनर को पूरी ताकत से हम संभाल रहे हैं, उनको मजबूती दे रहे हैं।
बच्चू कड़े जी का सवाल है, तो बच्चू कड़े जी ये शिवसेना के अलायंस में है, एकनाथ शिंदे जी के अलायंस में है, और जहां तक मेरी समझ है महाविकास आघाड़ी से अच्छा ताकत देने का काम महायुति में बच्चू कड़े जी को हुआ है। विकास के बारे में उनके मतदार संघ का विकास हो, उन्होंने जो अपंग के बारे में कुछ एजेंडा लाया था, अपंग दिव्यांग के कल्याण के लिए कुछ एजेंडा हो, सारे विषयों के ऊपर बच्चू कड़े जी को न्याय देने का काम शायद महाविकास आघाड़ी के सरकार ने किया है। पूरी जानकारी मेरे पास नहीं है, लेकिन बच्चू कड़े जी की कुछ समस्या है तो एकनाथ शिंदे जी सुलझाएंगे। जहां तक देवेंद्र जी का सवाल है, हमारा सवाल है, हमारे जो घटक पार्टी के लोग हैं, हमारे अलायंस पार्टनर है, पूरी ताकत से हमारे साथ है। आप देखिए विनय कोरे जी ने कहा है जो महायुति भाजपा कैंडिडेट देंगे हम पूरे साथ में रहेंगे। सदाभाव खोत जी ने कहा है, ऐसा कोई अलायंस पार्टनर नहीं जिन्होंने हमको क्रिटिसाइज किया है। बारामती की जहां तक बात है, विजय शिवतारे जी भी एकनाथ शिंदे जी के साथ है, वहाँ वो निश्चित रूप से समझाने का प्रयास करेंगे। मुझे लगता है कभी कभी कोई कन्फ्यूजन के कारण कोई घटना हो जाती है, लेकिन जब बैठ जाते हैं, चर्चा हो जाती है, तो समाधान हो जाता है। मुझे लगता है महायुति के कोई कैंडिडेट के खिलाफ महायुति का कोई नेता नहीं लड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। भारतीय जनता पार्टी का जय हो, भारत माता की जय, वंदे मातरम, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, जय भवानी, जय शिवाजी, जय श्री राम, जय श्री राम। बापू कामन बैठ गए आने की इच्छा है। अरे एक प्रश्न है,
संकेत दिए बीजेपी ज्वाइन करने के? सर ओके सर, हमारा डेट चाहिए सर, हमारा डेट सर, हमारा डेट। यस थोड़ा मागे सर, कौन सा आदमी मांगे होता है? कमल लो टाइम ए पकड़ दूसरे वाले बोलिए बोलिए। संजय निरुपम माझे जुने मित्र आहेत, त्यांची माझी भेट अधूनमधून कुठे ना कुठे होत राहते, परंतु त्यांच्याशी कुठलीही राजकीय चर्चा मी केलेली नाही। आपण जनमानसाचा कौल जो आहे तो आपण पाहत आहात। लोकांची मानसिकता आता भाजपच्या विकसित भारताच्या संकल्पनेबरोबर जुळलेली आहे। लोकांना एकच दिसते की भाजपशिवाय दुसरा पर्याय उपलब्ध नाही आहे, भाजपच देशाला सक्षम नेतृत्व देऊ शकतं ही मानसिकता जनसामान्यामध्ये आहे। त्यामुळे लोकांचा जो मूड आहे, मूड ऑफ द नेशन जर पाहिला तर तो बीजेपीच्या बरोबर आहे, आणि म्हणून पाहते लोक आकर्षित होत आहेत। नंदुरबारमध्ये एकदा संघटनेचा भाजप प्रवेश झाला, शिवाजी पार्कमध्ये येऊपर्यंत अनेक मोठे धक्के काँग्रेसला बसणार, तुम्ही काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आहात, गेले होतो मला काँग्रेसमधले माझे अनेक सहकारी व्यक्तिगत संबंध अनेकांचे आहेतच ना, म्हणजे मी नाकारत नाही। काँग्रेसमधली जुनी मंडळी माझ्या संपर्कात भेटीतल्या निमित्ताने भेटत राहतात, पण त्यांच्याशी मी कुठलीही राजनीतिक चर्चा राजकीय चर्चा मी केलेली नाही। ज्यांना ज्यांना वाटते की आलं पाहिजे ते स्वागतच आहे। मी असं कोणाला, मी पक्ष सोडताना असं सांगितलं होतं, मी कोणालाही जबरदस्तीने इथे आणा किंवा घ्या अशी भूमिका माझी नाही आहे। ज्यांची ज्यांची इच्छा आहे भाजपमध्ये यायची त्यांचं मी स्वागत निश्चित करेन। जबाबदारी द्यायची गरज नाही आहे, व्यक्ती असं आहेतच ना, मी कुठे नाकारतो। राहुल गांधी मुंबईत येत आहेत, शिवाजी पार्कात येत आहेत, तर राहुल गांधी मुंबईत येण्याआधी काही काँग्रेसचे मुंबईतले नेते संपर्कात आहेत तुमच्या? तोच काही मुहूर्त आहे असं काही म्हणायचं कारण नाही आहे, परंतु जशा निवडणुका जवळ येत आहेत अनेकांना या सर्व प्रक्रियेमध्ये सहभागी होण्याची इच्छा आहे। भाजपला नेतृत्व चांगलं आहे, राज्यात आहे, देशात आहे, सरकार भाजपचं देशात आलं पाहिजे ही मानसिकता अनेकांची आहे, आणि त्या पार्श्वभूमीवर स्वाभाविक आहे जशा निवडणुका जवळ येतील। आपण पाहा की अनेक जिल्ह्यामध्ये जे काही ध्रुवीकरण आता होत चाललेलं आहे तर ते लोक आमच्यावर येणार। आपको क्या लगता है हिंदुस्तान में गरीबों को न्याय मिलता है? नहीं मिलता। पिछड़ों की आबादी जानते हो आप लोग देश में पिछड़े कितने? तो जानता है 85 तो नहीं, कोई कोई 23 कह रहा है, कोई 85 कह रहा है, कोई 60 कह रहा है, कोई 70 कह रहा है, कोई 80 कह रहा है, 100% कोई कह रहा है, मगर सच्चाई यह है कि आपको नहीं मालूम। पिछड़े कितने हैं नहीं मालूम, दलित कितने हैं नहीं मालूम, आदिवासी कितने हैं नहीं मालूम, जनरल कास्ट के कितने नहीं मालूम, माइनॉरिटी कितने नहीं मालूम। बात भागीदारी की होती है, सब लोग कहते हैं भागीदारी मिलनी चाहिए, मगर अगर आपको यही भी मालूम कि कौन कितने हैं तो भागीदारी कैसे होगी? सवाल ही नहीं उठता। 50% पिछड़े हैं तकरीबन।